हाल ही में कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस और सोशल मीडिया यूजर्स ने यह दावा किया कि पतंजलि द्वारा बनाई गई कोरोनिल को WHO ने कोरोना वायरस के दवा के रूप में मान्यता दे दी है। ये वही मेडिसिन है जो जून 2020 में भी काफी विवादों में रही। दरअसल तब पतंजलि ने इसे कोरोना वायरस की दवा कहते हुए लॉन्च किया था, हालांकि बाद में उन्होंने भी इसे इम्यूनिटी बूस्टर ही कहा था। दरअसल 19 फरवरी 2021 को यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन और यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी के प्रेजेंस में बाबा रामदेव ने कोरोनिल पर पहला रिसर्च पेपर जारी किया और कहा कि कोरोनिल पहली एविडेंस बेस्ड कोरोना वायरस की दवा है। इसके तुरंत बाद IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया जिसमें उन्होंने हर्षवर्धन को भी घेरे में लिया और पूछा कि हेल्थ मिनिस्टर जो खुद भी डॉक्टर हैं वो फॉल्सली फैब्रिकेटेड अनसाइंटिफिक प्रोडक्ट के लॉन्च का हिस्सा कैसे बन गए। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोग दावा करने लगे कि कोरोनिल को WHO द्वारा कोरोना वायरस की दवा के तौर पर मान्यता मिल गई है। फिर मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इस बात को रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। यहां तक कि न्यूज नेशन के एंकर दीपक चौरसिया और न्यूज 18 के एंकर किशोर अंजवानी ने भी बाबा रामदेव का इस उपलब्धि पर इंटरव्यू ले लिया। पतंजलि ने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट करके इन्फॉर्म किया। उन्होंने ट्वीट करके कहा, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट की यह दवा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से सर्टिफाइड है। WHO ने इसे GMP यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट दिया है। ये दवा एविडेंस बेस्ड है। द लॉजिकल इंडियन ने पाया कि ये दावा झूठा है। वायरल क्लेम के थोड़ी ही देर बाद पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालाकृष्ण ने ट्वीट करके बताया कि कोरोनिल को WHO गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस यानी GMP कंप्लाइंट सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट टैक ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI द्वारा मिला है। उन्होंने बताया कि कोई कन्फ्यूजन हुई है, WHO ने ना कोरोनिल को अप्रूव किया है ना डिसअप्रूव किया है, बल्कि COPP लाइसेंस DGCI से मिला है जो कहते हैं कि ये मेडिसिन WHO GMP द्वारा तय किए गए क्वालिटी को फुलफिल करती है। WHO साउथ ईस्ट एशिया ने भी ट्वीट करके अफवाहों को खारिज किया और कहा कि WHO ने कोरोनिल की इफेक्टिवनेस पर ना रिव्यू किया है ना उसके इफेक्टिवनेस को देखा है। इससे ये बात साफ होती है कि WHO ने कोरोनिल को अभी कोरोना वायरस की मेडिसिन का टैग नहीं दिया है। जाते जाते आपको ये भी बता दें कि GMP यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस WHO द्वारा डिक्लेयर्ड स्टैंडर्ड है जो मेडिसिन की क्वालिटी का अश्योरेंस देती है। जाते जाते आपको ये भी बता दें कि GMP यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस WHO द्वारा डिक्लेयर्ड स्टैंडर्ड है जो मेडिसिन की क्वालिटी का अश्योरेंस देता है, यानी कि ये बताता है कि वो मेडिसिन बनाने में प्रोडक्शन और टेस्टिंग को लेकर के किए जाने वाले सारे प्रोसेस क्लियरली डिफाइंड है, रिव्यूड है और डॉक्यूमेंटेड है। इसलिए जब पतंजलि ने कहा कि कोरोनिल को CPP मिला है WHO सर्टिफिकेशन के स्टैंडर्ड से, उसका मतलब ये हुआ कि उन्हें सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के आयुष सेक्शन से ये सर्टिफिकेशन मिला है। इसका ये मतलब भी है कि प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन CPP मिलने का ये मतलब हरगिज नहीं कि WHO से रिकमेंडेशन मिली है, क्योंकि CPP WHO नहीं देती। लेकिन फिर भी CPP मिल जाने के बाद भी हम इस कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते कि कोरोनिल कोरोना वायरस की मेडिसिन है। इसी तरह के और मैसेज, इमेज, न्यूज़, वीडियोज़ आप हमें हमारे फैक्ट चेक नंबर 6364000343 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।